गुजरातियों को इंडिया से गेट आउट करने के लिए रितिका चावड़ा अहम योगदान दे रही हैं। रितिका ऐसी हैंडमेड राखियां बना रही हैं तो अगली राखी तक आसानी से भाई के हाथों की शोभा बढ़ाएंगी। उनका उद्देश्य है कि चाइनीज राखी को टक्कर देना है। लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने के लिए छोटी छोटी चीजें अपने आसपास के लोगों से लेना शुरू करनी होगी। रितिका धागे, मोती और सौगुन के टुकड़ों से बना रही बेहतरीन राखी, साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान भी दे रही हैं। आज हर किसी के मन में आत्मनिर्भर भारत बनाने का सोच है, लेकिन कैसे मनाएं ये सबके पास जवाब नहीं है। तो आज हम राजधानी के उस बिटिया से मिलाने जा रहे हैं आपको, जो आत्मनिर्भर की ओर एक कदम बढ़ाया है और चीनी राखियों के मुंह में एक तमाचा से कम नहीं है। तो हम सीधा उनके पास चलते हैं। आपका नाम क्या है और ये राखी बनाने का सिलसिला कब से जारी है? मेरा नाम रितिका चावड़ा है और राखी बनाना मुझे पसंद है। मैं लास्ट ईयर भी ट्राई की थी राखी बनाना, उस टाइम मैं पर्सनलाइज्ड राखी बनाती थी उसमें फोटो लगा के, तो वो बस मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाया था। तो इस बार समय भी था, लॉकडाउन था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम चीन के प्रोडक्ट्स को बंद करें, बायकॉट करें और खुद के प्रोडक्ट्स बनाए और देश को आत्मनिर्भर बनाए। तो मैंने सोचा कि हम राखी बनाती हूँ, तो बस वहीं से चालू किया मैंने राखी बनाना। जो वेस्टेज वुड है, जो कारपेंटर्स वेस्ट में फेंक देते हैं, वो मैंने लिया और वो मैंने इसमें यूज किया। कितना समय लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में करीबन 30 मिनट या 40 मिनट लग जाता है पूरा कंप्लीट करने में। क्या क्या रेट की राखी है आपके पास और कितने लागत लगती है इसको बनाने में आपको? मेरे पास स्टार्टिंग 40 रुपीज से स्टार्टिंग है और एंडिंग जो मैक्सिमम है वो 150 रुपीज है। आपने चाइनीज राखियों के सामने अपने राखी बनाकर उसको बेचने का चैलेंज तो उठा लिया है, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि चैलेंज बड़ा है? यही है कि हम धीरे धीरे भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही चालू करेंगे, तब जाके आगे जाके कुछ बड़ा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो बदलाव लाती है। तो अभी आपने देखा कि ये चाइनीज राखी के चैलेंज में ये भारतीय राखी है जिसको राजधानी की बिटिया बनाई है और इसके साथ ही ये इनके लिए बहुत बड़ी जोखिम से कम नहीं है, लेकिन चैलेंज तो चैलेंज है और इस तरह से आप इस चैलेंज को लेते हुए अहम भूमिका निभा सकते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने में। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराज स्वराज एक्सप्रेस।